वेलकम प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूँ ई स्कूल में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे सारे वीडियोस इससे पहले वाले बराबर देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक और नया क्वेश्चन करवाऊँगा जिसमें हम गुडविल के बारे में और बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अपनी स्क्रीन पे देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो किसका है, पार्ट सिक्स। पहले तो ये नोट कर लिया करें कि कौन सा वीडियो हम देख रहे हैं। तो ये पार्ट सिक्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का नाम हो गया, है ना। और आप ई स्कूल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी ये हमारा जो चैनल नेम है वो ई स्कूल है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, इस पे यूट्यूब पे, तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप आ जाएं यहाँ पे। बच्चों ये देखिए, हम आज ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, यानी इससे पहले जो वीडियो थे उसमें मैं आपको दो क्वेश्चन इसके करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं वो नंबरिंग वही ले रहा हूँ जिसके हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आज क्या है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आ जाइए, इसमें दिया है द पोजिशन ऑफ मोहन हु रन्स अ शॉप ऑफ केमिस्ट इन जयपुर, जो कि जयपुर में एक केमिस्ट की शॉप चला रहा है, वॉज एज फॉलोज। उसकी स्थिति इस प्रकार से है, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 के लिए, 2017 की है। मैंने बता दिया किताब कोई हो फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी ईयर में इस चैप्टर को पढ़ लेना सही होगा। अब उसके बाद में आपके इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखी है एक बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखो कैपिटल, जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट पढ़ते समय हम लोगों को ये बात तय करनी होगी कि हम एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। ये जो दो चीज़ें होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स फंड में आता है। उसके बाद में आपके इधर बिल्डिंग फंड है, प्रोविजन फॉर डेट है और क्रेडिटर है। तो मूल रूप से जो ये दो हैं ये आप लोगों के क्या हो जाएंगी, करंट और आउटसाइड लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये आपके करंट लाइबिलिटीज़ होगी। उसके बाद में इधर दो ही एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अमाउंट आप देख सकते हैं सारी, टोटल दोनों तरफ की बराबर लेता है 8 लाख और 8 लाख। ये हुई बैलेंस शीट। अब हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो ये बैलेंस शीट है किसकी, मोहन की, जो उसकी स्थिति बताती है। तो मोहन की बैलेंस शीट है। अब आप इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, इसमें क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं। The business is being carried on a rented building taken from Sohan. Sohan से एक किराए पर ली हुई बिल्डिंग में चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, मोहन जिसका बिजनेस था, सोहन जिससे किराए पर लिया हुआ था, उस बिल्डिंग में चलता था। The rent of the building is 2000 per month. It was only 1500 per month up to 31 मार्च 2014. यानी रेंट जो वो पे कर रहा है वो आपकी उसकी कितनी थी, 2000 रुपये, और उससे पहले अप टू 2014 तक वो 1500 रुपये थी। मोहन हैज़ आल्सो एंगेज्ड सर्विसेज ऑफ अ केमिस्ट, मोहन ने एक केमिस्ट पे रख रखा है और उसको कितना पे करना पड़ता है, 800 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है अप टू 31 मार्च 2015, और देयर आफ्टर और उसके बाद में उसको पेमेंट करना पड़ा आपके 1000 रुपये पर मंथ से, है ना। तो यहाँ पे ये बातों को अपने को एडजस्ट करना है। द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर चार्जिंग रेंट सैलरी एज फॉलो फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर, और ये जो आपके 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है उसमें ये दोनों चीज़ें उन्होंने कहा कि एडजस्ट की हुई है, मतलब उन्होंने जैसा भी, उनके लिए तो खर्चे थे तो इसलिए उनको उन्होंने एडजस्ट कर रखा था। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा। दोनों ही स्थिति याद रखनी है, बस याद ये रखना है मोहन एक तो पेमेंट कर रहा है रेंट का और एक वो दे रहा है केमिस्ट को सैलरी, दोनों खर्चे उसके हो रहे हैं। क्लियर। आगे सेकेंड पार्ट ये यहाँ पे। अब अपने को 5 साल के प्रॉफिट देखने हैं। आप जितने भी सामने चीज़ें आती हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो आपके लिए बहुत काम में आएगी। 5 सालों के प्रॉफिट में आपके सबसे पुराना साल तो हो गया 12-13 और जो सबसे नया हमारे पास है वो हो गया 16-17, ठीक है। तो 1,000, 1 लाख रुपये, फिर उधर 80,000, 1,10,000, 1 लाख और 1,10,000। मैंने उल्टे क्रम में इसलिए पढ़ा क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो हम
12 13 13 14 14 15 15 16 और 16 17 इस क्रम में लिखेंगे, इसीलिए मैंने उल्टे क्रम में पढ़ा। तो आप भी ध्यान रखें कि इस तरीके से क्रम में प्रॉफिट अपने को लिखना है। उसके बाद में सोहन, अब यहाँ से अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है। सोहन द लैंडलॉर्ड ऑफ द बिल्डिंग वॉन्ट्स टू परचेज द अबो बिजनेस। सोहन जो कि इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है, वो क्या चाहता है, इस बिजनेस को परचेज करना चाहता है। तो वो परचेज करेगा तो वो क्या कहता है, ही इज हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट केमिस्ट, वो खुद एक केमिस्ट है। एंड सच विल नॉट नीडेड द सर्विस ऑफ केमिस्ट अपॉइंटेड बाय द मोहन, यानी नॉट नीडेड द सर्विस ऑफ केमिस्ट अपॉइंटेड बाय द मोहन, सोहन हैज बीन वर्किंग एज अ फार्मिस्ट। ये अगली लाइन बाद में देखेंगे। वो ये कह रहा है कि जो मोहन ने जो केमिस्ट रखा था, उसकी जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक क्या है, केमिस्ट है। लेकिन आगे क्या कहता है सोहन, सोहन हैज बीन वर्किंग एज फार्माकोलॉजिस्ट इन द जक्सनपाल लिमिटेड। लेकिन वो खुद एक नौकरी कर रहा था इस बिजनेस को परचेज करने से पहले जक्सनपाल लिमिटेड में, एंड हैज़ बीन ड्रॉविंग अ सैलरी 2500 रुपये पर मंथ। वहाँ से उसको 2500 रुपये पर मंथ सैलरी मिल रही थी। तो अब इससे क्या होगा कि वो नौकरी छोड़ेगा तभी तो बिजनेस उसका चला पाएगा, तो ये उसके लिए फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, उसको ये पैसा फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और ये सारी जितने भी संख्याएं हैं वो पर मंथ चल रही हैं, ये नोट करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो बातें जो हमें चाहिए वो हो गई 5 ईयर्स और सुपर प्रॉफिट। Assuming that the normal rate of return on average capital employed is 10% per annum, जो आपके average capital employed है वो 10% per annum है। Sohan will have to raise his resign from his present subsequent to the purchase of the above business। जैसे वो कहता है कि Sohan जो है उसको resign करना पड़ेगा from his present post, अभी जो नौकरी कर रहा है, subsequent to the purchase, जैसे ही उस तो business को purchase करता है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मे बी एज्यूम्ड 2 लाख। ये जिस बिल्डिंग उसकी खुद की है, सोहन की, उसकी वैल्यू वो कहता है 2 लाख रुपए मानी जाए। इसका फर्क ये पड़ेगा कि चूंकि उसके रेंट तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो उसकी एसेट्स है उसमें ये बिल्डिंग जुड़ जाएगी। यानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमारे सामने आता है, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो एसेट्स में इस बिल्डिंग को अपने को जोड़ना पड़ेगा। यू आर एज्यूम्ड सॉरी You may assume depreciation at the rate 10% per annum on the building और ignore the income tax। Income tax इसमें है नहीं तो ignore करना है। तो ये आपका question हुआ। मैं मूल रूप से आपको कहानी इसकी बता देता हूँ। Question में इसने कहा कि मोहन की बैलेंस शीट है, मोहन जो है वो चलाता है सोहन की बिल्डिंग में, सोहन कहता है ये बिजनेस मुझे दे दे, तो वो उसको दे देता है। उसके खर्चे जो लग रहे थे, कुछ इसमें इसकी बचत हो जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो इन सब के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सुपर प्रॉफिट से गुडविल। ओके, तो एक एक स्टेप से बढ़ेंगे। एक बार आप भी क्वेश्चन को रिवाइज पीछे से करके देख ले। दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होना यानी 50% डन होना होता है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। ओके, और कॉपी में नोट करना है, पूरे क्वेश्चन को नोट करते जाएं 1-to-1। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको लेना है। वो कैसे होगा देखिए, मैंने थोड़ा फॉर्मेट में वो सारी चीज़ें जो कि पहले से गिवन है वो लेके रखी हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टेबल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा क्या चीज़, कैलकुलेशन ऑफ एफ यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पता है अब आप लोगों को, ये थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना करनी पड़ेगी। इसमें आपके जो दिया हुआ था वो मैंने वापस लिख के रखा है। मैं आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि हम जो चीज़ें क्वेश्चन में हैं उनको पहले से लिख के रखते हैं, ताकि आप लोगों का कम से कम समय में वीडियो तैयार हो जाए। अब हम क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। रेंट प्रॉफिट 5 सालों के दे रखे हैं हमने, वापस लिख दिए। हम दो चीज़ों को यहाँ पे इसमें एडजस्ट करेंगे। एक तो जो रेंट उसकी थी, किसकी, वो जो पे कर रहा था, और एक वो जिसने केमिस्ट रखा था उसको दे रहा था सैलरी। तो रेंट जुड़ेगी, आपको सिर्फ इतना ही देखना है, रेंट जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी, क्योंकि अब वो रेंट सोहन के नहीं लगने वाली है। तो
समझ में आता है, फ्यूचर में ये रेंट नहीं लगेगी तो जोड़ दो, यानी प्रॉफिट को वापस बढ़ा देना है। क्लियर। सैलरी, सैलरी जो उस वो केमिस्ट को दे रहा था मोहन, अब उसका भी खर्चा नहीं लगेगा, इसलिए उसको भी हमें क्या कर देना है, वापस जोड़ देना है। यानी ये दोनों खर्चे जब हम जोड़ देंगे तो ये पाँचों सालों के जो प्रॉफिट हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसलिए इस टेबल में हमें पाँचों सालों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और फेज इसमें है, वो फेज हो गया कि जो इनका चेंज है, जैसे सैलरी पहले थी 800 और फिर बाद में हो गई 1000, इसी तरह से रेंट था पहले 1500 फिर हो गया 2000, तो ये कब से हुआ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको अपने को ध्यान में रखना है। चेक करें, आप देखिए क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार वापस ले जाता हूँ ताकि आपको उसकी डेट में लेके बता दूँ। ये रही 1500 रुपये पर मंथ ऑन 31 मार्च 2014, यानी 14 तक का मतलब हमारा जो ईयर है 12-13 और 13-14, 2 साल तक तो इसका कितना था 1500 रुपये पर मंथ। तो 1500 रुपये पर मंथ से आपको लेना है 1 साल का 18,000, और उसके बाद में ये कितना हो गया 2000 रुपये पर मंथ जो वर्तमान में है, तो 2000 रुपये से हो गया 24,000। क्लियर, आसान है। तो 2 ईयर्स जो हमें लेने हैं यहाँ पे रेंट का, किसका रेंट का, तो पहले 2 साल में तो रेंट हमें जोड़ दी है 18,000 और 18,000, ये एनुअल है, बस आप लोग इतना ही याद रखें एनुअल ली है, प्रश्न में हमें मंथली दे रखा है। और ये 2014 तक हो गया ना, देखो 31 मार्च 2014 तक। क्लियर। अब उसके बाद में ये 2000 हो गई तो जोड़ना कितना है 24,000 और 24,000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सैलरी, सैलरी वो पहले देता था उसको 800 रुपये और बाद में हो गए 1000। अब वो डेट वापस चेक करनी पड़ेगी, चलें एक बार। ये रही सैलरी, वो कहता है 800 रुपये पर मंथ अप टू 31 मार्च 2015, 15 का मतलब 14-15 तक हो गया, तो 15 तक 800 थी और उसके बाद में 1000 हो गए, तो 800 से अपने को गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपके हो जाता है 9600। ये हो गया 15 तक के लिए, तो 9600 रुपये इस साल में थी, तो इससे पहले 9600 ही थी, 12 × हमने किया है, ठीक है ना, 12×8=96,900, 9600, ये 3 हो गए। और उसके बाद में वो कहता है कि उसकी जो सैलरी थी वो 1000 थी, तो अब वो 12 महीने से कितनी हो जाएगी 12000, ये आपके इसमें आ जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें समझ में आई, रेंट और सैलरी दोनों इसलिए जोड़े गए क्योंकि ये मोहन के खर्चे थे, सोहन को ये खर्चे दोनों ही नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि बिल्डिंग उसकी खुद की है एक बात, और सैलरी इसलिए नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वो खुद एक केमिस्ट है। ओके, आगे प्रॉफिट, अब इसको एडजस्ट करके प्रॉफिट क्या आता है वो हमें इसमें लेना है, मैं लिख देता हूँ, देखो अपने पास कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर आपके आएगा 127,600, यहाँ पे आपके आएगा 107,600, 143,600, 136,000 और 0, और उसके बाद में आपके आ जाएगा 146,000, और इसके बाद में अपने को इसकी क्या कर लेनी है, टोटल कर लेनी है, तो वो टोटल भी अपने को यहाँ पे लिखनी है, और टोटल आपकी आ जाएगी 660,800। आप ये काम कैलकुलेटर पे ज़रूर कर लें, मैंने आप लोगों के लिए तुरंत इसको कर दिया है ना, तो 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप कैलकुलेटर पे इसको कॉपी में करना है इसको, तो आराम से हो जाएगा। तो ये आपके हुआ 127,600, ठीक है बेटा, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, सही है 660,800, ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। अब अपने को क्या करना है, ये तो 5 साल की टोटल हुई, तो अब अपने को लेना है एवरेज, ये हम आ गए एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ लिखना है 660
800, इसमें डिवाइड करना है, कितनी संख्या है वो, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करना है, 5 ईयर से, तो 5 ईयर से डिवाइड करते ही ये आपकी हो जाएगी 1,32,160, 160, ओके। और जब आप इसको कर दें तो अब आपको फ्यूचर मेंटेनेबल में दो बातें और जोड़नी हैं, एक तो डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि अब क्या हुआ कि उसके किराया तो नहीं लगता सोहन के, लेकिन चूंकि बिल्डिंग उसकी है तो उस पर डेप तो लेना पड़ेगा ना सही प्रॉफिट के लिए, तो 2 लाख की बिल्डिंग थी, 10% लेना है, 10% ऑफ 2 लाख है ना, तो वो आपके हो जाएगा 20,000, ये अपने को घटाना है, क्लियर। और फेयर रेमुनरेशन, उसको वो नौकरी जिस पे वो काम कर रहा था वो 2500 रुपये पर मंथ से उसको मिलता था, तो 2500 रुपये पर मंथ से होता है आपके 30,000 रुपये, तो वो उसको छोड़नी पड़ेगी, तो 2500 × 12, तो ये आपके 30,000 रुपये, ये भी इसको लॉस होगा इस बात से, सही है ना, क्योंकि ये नौकरी छोड़ देता है। तो दोनों इसमें से घटाने पर आपकी संख्या जो आती है वो 50,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 82,160, ये आपके आ गया इसका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, 1,00,000 आपके 82,160, ये हुआ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे इम्पोर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो ये ही होती है हर प्रश्न के लिए, दूसरा होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये दो कैलकुलेशन हम अच्छे से कर लेते हैं तो फिर अपने को अन्य कोई बात की ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है बेटा, बहुत ध्यान से देखते रहें, एक एक चीज़ को देखें, और देखो अभी जो समय है उसमें हम लोगों को यही करना है, और आप लोगों के लिए तो इतना अच्छा है कि आप आराम से वीडियो देखें, पूरा पढ़ें और अपने साथियों को भी करें, ताकि हमारी मेहनत के लिए कुछ मिल सके हमें, कि हाँ सब लोग देख रहे हैं, ये बस इतना ही है ना। चलें आगे बढ़ें, अब हम लेने हैं ये हमारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो कौन सी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो तो अमाउंट दे ही रखी थी, मैंने आपसे कहा कि ये जो है ना अपने को कौन सी बिल्डिंग जो है वो अपने को अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसका मालिक सोहन हो गया, और बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख की हो गया, तो सारी एसेट्स हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले कर रखा है इसलिए फास्ट में बता देता हूँ, इसमें सारी एसेट जोड़ते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी घटाते हैं, बेस कंसेप्ट है। इसकी टोटल आपकी आ जाएगी 3, 2, 5 और 10 लाख, ठीक है। इसमें से अपने को घटाना है आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो क्रेडिटर दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, और प्रोविजन फॉर डेप्ट दिया हुआ है वो लिख दिया, दोनों घटा देंगे, ठीक है। तो दोनों घटाएंगे तो अब आपकी जो संख्या इसमें घटाने से आती है वो आपकी आ जाएगी 7,20,000, 80,000 घटाएंगे तो 7,20,000, ओके। और ये क्या आया, इससे आता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, हमेशा ये बात ध्यान रखें। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, CYP का मतलब हो गया करंट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है आप देखें इसमें सबसे लास्ट में, यानी जो इस साल का प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, यानी हमारी किताब में है 16-17 का, जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 16-17 का जो प्रॉफिट है वो यहाँ लेना है 1,10,000 रुपये, और उसका 1/2 आधा घटा देंगे, तो 16-17 का प्रॉफिट आपके हो गया, उसका 1/2 लेना है, तो ये 1,10,000 का 1/2 यानी हो गया कितना, 55,000 रुपये, क्यों सही है, तो 1,10,000 का आधा हो जाएगा 55,000 रुपये। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 0,0,0, और इधर आपके हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, इधर बचेगा 1, इधर से हो जाएगा 16, ऐसे 5 जाएगा तो ये आपके 11 में से 5 जाएगा तो 6, और इधर आपके हो जाएगा 6, बिल्कुल सही है। चेक करता रहता हूँ बच्चों, बीच में कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं कोई और चीज़ में हो गया, तो ये आपके हुआ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप लोगों से भी मेरा ये है, कैलकुलेशन करते समय पूरा ध्यान रखना ही
चाहिए। तो 6,65,000 ये आपकी संख्या जो है वो आ जाएगी इसमें से लेस करने के बाद, और इसे हम कहेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो जब आपके सही सही आ जाए तो आराम से आप चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड कैलकुलेशन, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वो आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया था 6,65,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR प्रश्न में दिया हुआ था 10%। तो ये आपके हो जाएगा 66,500। अब आगे देखते हैं, अब हमारे दो पॉइंट अब इसमें आ गए जो हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, सुपर प्रॉफिट और गुडविल, दो बातें और लेंगे हम। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट के लिए हमने कैलकुलेट करके रखा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो वो आपका है 82,160, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। और इसमें हम लोगों को डिवाइड लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट से, वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 66,500। तो ये दो काम अपने को करने हैं, जब आप इसको लेस कर देंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है मैंने आपसे कहा, तो वो आपके आ जाएगा लेस करने पर 15,660। ये प्यारे बच्चों आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 82,000 में से 66,000 गए 15,660, ये हो गया आपका 15,660 सुपर प्रॉफिट। अब आता है गुडविल, तो गुडविल के लिए हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को 5 साल से गुणा करनी है। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 15,660, क्लियर। 5 ईयर्स प्रश्न में दे रखा था तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 78,300। ये प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा और हमारा भी काम पूरा हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये 5 स्टेप क्वेश्चन था, इसमें आज हमने फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा। इसमें विशेष बात जो थी वो थी आगे वाले जो 5 साल थे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसमें बिल्डिंग का एक फैक्टर जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो ये उसका डेप्रिशिएशन कैसे लेना था वो इम्पोर्टेंट था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम कई बार भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वैसे ईजी दिखता है कई बार, लेकिन हर छोटी छोटी बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलें आगे बढ़े। हाँ, एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए मैंने रखा है, इसलिए कह रहा हूँ आगे बढ़े। ये है आपका असाइनमेंट कार्यभार, आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको क्या करना है, तैयार करके आंसर करके मेरे को व्हाट्सएप करना है ना। तो मैं आपका व्हाट्सएप जो आया हुआ होगा उसको चेक करूँगा कौन कौन सही करता है। आज ये आपका असाइनमेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख लें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है बस, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में FM भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये आप असाइनमेंट के रूप में HW में ये काम करेंगे, मेरे को व्हाट्सएप करेंगे इसका सॉल्यूशन, अगले में मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में कि उसका आपका आंसर सही है या गलत है। ये थैंक्स, लेकिन क्या है इसमें इंस्ट्रक्शन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बस। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखे वो अपना नाम जरूर लिखे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देना, तो मुझे पता रहेगा कौन कौन पूरा देख रहा है, क्योंकि मुझे वॉच भी करना है कि सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।